तो आज की स्टोरी में मैं, मेरे चाइनीज फ्रेंड मैजिक, मेरा अफ्रीकन फ्रेंड केनी, हम लोग तीनों बैठे हैं एक कॉफी शॉप में और हम लोग वेट कर रहे हैं मेरे बॉस का। बॉस आता है और बहुत दुखी होता है, और अचानक जब मैं उसको पूछ रहा हूं तो बॉस ऐसे, यार रोहित, हम साला कहां कम पड़ गए, ये समझ में नहीं आ रहा हमको। ना ही हम किसी का पैसा लिए, ना ही चोरी, ना ही चकारी, ना ही हम किसी को चीटिंग किए। मतलब बॉस क्या हो गया, आप इतने दुखी दुखी क्यों बोल रहे हो? रोहित यार, इट्स वेरी पर्सनल, बट तुमको बताता हूं, आई फील माय वाइफ इज हैविंग एक्स्ट्रा मैरिज। मतलब एक्स्ट्रा मैरिज, मैं समझा, अच्छा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। यस रोहित, शी इज हैविंग एक्स्ट्रा मैरिज। तो मैजिक उधर से बीच में, ना जरूरत उसकी फिर भी, सो समवन एल्स फकिंग योर वाइफ। साला पहले इस आदमी को मारेंगे हम। रोहित कुछ करो, हमको बहुत है। तो उधर कैनी बोलता है, बट बॉस हाउ कम ऑल दिस, व्हाट हैपेंड, कैन यू टेल अस? श्री कैनी, इन द लास्ट सिक्स मंथ्स देयर हैज बीन नो एक्शन। बॉस, यू नो व्हाट, आई थिंक यू नीड वायगा। वायगा बोल रहा है, थोड़ा पान मुंह से निकाल के कहो। बॉस पान आप छोड़ो, वो वायगा। अरे नहीं रे, शिलाजीत का कौनो जरूरत नहीं हमको ना। मैजिक तुम नहीं समझ रहे हो भाई, यू नो अंडरस्टैंड। तो लास्ट टू मंथ्स शी हैज गॉन टू हर मायके। तो मैजिक, व्हाट इज मायके? मायके मींस हर मदर हाउस। सो यू थिंक दैट देयर इज अ मैन हु इज पार्किंग हर इन दैट इन दैट हाउस? तो साले हमारे हाथ में जे खून लिखा है, जेल जाएंगे साले मैजिक को मार के, चीनी को। तो वहां पर उसके बाद में सब बैठ के बोल रहे हैं, बॉस क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या करे, क्या करे, क्या करे। सडनली मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है, मैंने, बॉस ये चाइनीज है, ये अफ्रीकन है, इन दोनों को लेकर हम दोनों चलते हैं लखनऊ, और वहां पर जाकर सर दूध का दूध, पानी का पानी। साला बात तो एकदम तुमने सही किया रे। अब हम लोग सब रेडी होकर निकले, ठीक है, जब भी हमने प्लान किया जाते सारी चीजें। फ्लाइट के अंदर सब बैठे हुए हैं और अचानक मैजिक, एयर होस्टेस आ रही है सर्व करने, और अचानक मैजिक, बॉस आई गॉट टू नो योर प्रॉब्लम। तो बॉस, टेल मी मैजिक, व्हाट इज इट, टेल मी। बॉस, दिस यू गुड कार, यू ईट दिस, इट्स वेरी बैड, इट्स वेरी बैड, इन द फ्लाइट यू पुट वॉमिट बैग, यू डू, यू पुट इट इनसाइड, यू ईट दिस इनसाइड योर एनिमल, इट डज नॉट, यू नो। साला हम इसको बहुत मारेंगे, साला पूरे गांव को तुम गा दो। और एरोस्टेस हंस रही है, पूरे गांव को गा दो साले, कि हमको ये, कि हमारे को कोई तकलीफ, अरे कौन तकलीफ नहीं है हमको। एरोस्टेस के सामने और केनी जो उसको भड़क रहा है, रीता यू हैव टू ओपन योर माउथ, यू डोंट अंडरस्टैंड बॉस इज इन टेंशन राइट नाउ, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू फाइंड द सॉल्यूशन फॉर हिम। फिर एरोस्टेस के सामने, यू टेल मी वन थिंग, व्हाई अ मैन लाइक हिम नॉट एबल टू कीप वाइफ हैप्पी? तो एरोस्टेस करके हंस रही है। अब सब खत्म, हम गए वहां घर पे, वो उनके बॉस की वाइफ के उधर घर पे, वहां बाहर देख के जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी करके सब आ गए। और जो बॉस की जो सास थी वो, ए, ए देखो ए दामाद जी आए हैं, सुकन्या के पाप बाबू जी यहाँ आइए। और ये, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, सुकन्या कहाँ है? क्या कह रहे हो, सुकन्या कहाँ है? सुकन्या तो यहाँ आई नहीं। और ये सुन के बॉस को कुछ अटैक जैसा कुछ आ जाता है, और बॉस उधर ही एकदम एकदम पसीना पसीना पसीना, और सुकन्या के, ए सुकन्या का पापा देखो इनको क्या हो गया है। दामाद जी, क्या हो गया दामाद जी? तो दो ही महीना से सुकन्या हमसे कह रही है कि वो मायके में है। साला अब हम तुमको दिखाएंगे, रोहित थोड़ा गुटका दो, रायनी अब हमारा वकील बात करेगा तुम लोगों से। अरे ऐसा नहीं हो। वहां से बॉस भागा और एकदम नर्वस ब्रेकडाउन, ये वो सब कुछ, और सीधा फ्लाइट पकड़ के हम लोग वापस आए।
जैसे ही हम लैंड हुए बॉस दारू पी के शाला रोहित हमने बिजनेस से ज्यादा सॉरी अपनी औरत से ज्यादा बिजनेस को हमने ध्यान दिया। हमेशा कहते थे कि तुम कपड़ा अच्छा नहीं पहनती हो, मोटी हो रही हो, ये वो। आज कोई और आ गया रोहित। Yeah, someone else, boss, now in your house with your wife. You go see. अब बॉस मैं मैजिक कैनी सब गए घर पे। घर जाके देखते हैं क्या बीवी आई हुई है। बीवी एकदम स्लिम ट्रिम बाल कर ली है वो सब कुछ। सुकन्या तुम यहां? कह दो सुकन्या किसके साथ तुम्हारा चल रहा है? कह दो हमको। हम कह रहे हैं हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, सीधा डिवोर्स ले लो, लेकिन कह दो हमको। अरे हम कुछ नहीं ऐसा किए, हम 2 महीने के लिए नेचुरोपैथी में गए थे, पुणे में अस्पताल है, वहां तुम्हारे लिए पतला होने गए थे, बाल बाल सब वहां किए, तुम बोलते थे इंग्लिश औरत की तरह रहो। अरे नहीं नहीं सुकन्या, हम तुमसे ऐसे ही बहुत प्यार करते हैं। अच्छा ये बताओ फिर 6 महीने से शारीरिक सुख क्यों नहीं? अरे हम सोचे कि पतला हो के तुमको शारीरिक सुख देंगे हम, ऐसा नहीं। What she say? मतलब everything is okay now, don't say in between. अरे सुकन्या प्रारा, आज से हमको कुछ नहीं चाहिए, कोई बिजनेस बिजनेस नहीं, तुम हमारी औरत हो, तुमको पहला खुश रखेंगे। और आप लोग अगर अभी यहां तक देख रहे हो प्लीज मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक भी करें। हाँ शेयर जरूर। ओके बाय।